अंशित प्रांशी। और दोस्तों जैसा कि हम आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन के बारे में बता रहे थे, तो उसमें कुछ कमेंट आए हुए थे मेरे पास कि रे पा और मी पर आप एक ही कॉर्ड क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए जैसा कि हम पहले भी बताया कि आपको स्केल की नॉलेज होनी चाहिए और उस स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल ले सी मेजर का, तो अगर सी मेजर की आप स्केल निकालिए तो इसमें देखिए जो नोट्स निकलते हैं वो सी डी ई एफ जी ए बी, फिर सी रिपीट हो जाता है। तो कहने का मतलब सी डी ई एफ जी ए बी, अगर इनको आप लिखिए दो भाग लिखिए, इनफैक्ट सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए बी, तो आप देखेंगे जो पहला ट्रायड्स बनता है, ट्रायड्स का मतलब जो तीन नोट से हम बनाते हैं, जैसे मेजर का फॉर्मूला हमने आपको बताया है रूट प्लस थ्री प्लस फाइव, माइनर का फॉर्मूला हमने आपको बताया है रूट प्लस फ्लैट थ्री प्लस फाइव। और दोस्तों मेजर स्केल में एक कॉर्ड और डिमिनिश्ड का लगता है, तो डिमिनिश्ड का जो फॉर्मूला होता है वो रूट प्लस फ्लैट थ्री प्लस फ्लैट फाइव। तो ये तीन कॉर्ड्स किसी भी मेजर स्केल में आते हैं। अब ये कैसे लगते हैं, इनको निकालने के लिए हम लोग सी से सी तक लिखेंगे। और देखिए पहला जो सीक्वेंस आपको मिलेगा वो सी ई जी, ये तीन नोट्स आपको मिलेंगे, इससे बनेगा सी मेजर। अब दोस्तों दूसरा सी आप देखिए कहां पर आ रहा है, दूसरा सी आपका आ रहा है ए सी ई, ये बना ए माइनर। अब इसमें भी देखिए सी नोट आ रहा है। और तीसरा सी आपको कहां मिलेगा, एफ ए सी, यानी सी नोट आपका सी में भी आया, ए माइनर में भी आया एंड एफ में भी आया। तो सी नोट पर हम ये तीनों कॉर्ड्स लगा सकते हैं। लेकिन कोई भी गाना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अमूमन जो उसका की नोट है अगर वहां से कॉर्ड लेके चले तो सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए हमने जो सी नोट है सा है उस पर सी कॉर्ड रखा है सी के स्केल में। इसी तरह कोई भी स्केल हो उसमें पहला नोट जो नोट रहेगा उस पर पहला कॉर्ड उसका आ जाएगा, सेकंड नोट डी आता है। अब दोस्तों जब आप डी पर जाते हैं, डी से आप फिर वही तीन ट्रैक्स बनाने की कोशिश करिए। तो पहला ट्रैक जो बनेगा वो आपका, वो देखेंगे आप डी एफ ए, यानी ये बना आपका डी माइनर क्योंकि इसमें थर्ड नोट फ्लैट हो जा रहा है। दूसरा ट्रैक जो आपका बनेगा वो बनेगा बी डी एफ। अब दोस्तों इसकी स्केल में देखिए तो ये थर्ड नोट भी फ्लैट हो जा रहा है और फिफ्थ भी फ्लैट हो जा रहा है, तो ये भी डिमिनिश्ड हो जाएगा। अब तीसरा जो इसका बन रहा है वो जी बी डी। तो रे जब हम बोलते हैं सारी, हम डी माइनर भी लगा सकते हैं, सारी हम जी भी लगा सकते हैं, और हम लोग बी डिमिनिश्ड। लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सेकंड नोट पर जी रखा है। आप लगाने को डी माइनर भी लगा सकते हैं, बी डिमिनिश्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन कानों में कम अच्छा लगता है, इसलिए हमने सारी जी रखा है यहां पे। तीसरा नोट ई आता है, ई में भी आप ई ई से ई तक लिख लीजिए और इसके तीनों ट्रायड्स निकाल लीजिए कौन कौन से बनेंगे। पहला आपका बनेगा ई जी बी, ई जी बी यानी ई माइनर बिकॉज थर्ड नोट फ्लैट हो जा रहे हैं। दूसरा बनेगा सी ई जी, सी मेजर, इसमें भी ई आ रहा है। और तीसरा जो आपका कॉर्ड बनेगा वो बनेगा ए सी ई, इसमें भी सी आ रहा है। तो थर्ड नोट यानी सा री या गा, लेकिन कान से सुनिए तो हो सकता है आपको कोई दूसरा कॉर्ड अच्छा लगे, लेकिन हमें सी ही अच्छा लग रहा था, इसलिए हमने सारी गा ये लिया। चौथा नोट आपका एफ आते हैं, एफ से फिर आप देखिए कौन कौन से कॉर्ड निकल रहे हैं। पहला कॉर्ड आपका एफ ए सी, ये एफ मेजर बनेगा। दूसरा कॉर्ड इसमें डी एफ ए, तो ये आपका डी माइनर बन जाएगा।
और तीसरा कॉर्ड जो बनेगा बी डी एफ, ये आपका मीडियम रेस्ट बन जाएगा। दोस्तों मध्यम पर जैसे अब हम अगर डी माइनर लगाएं तो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, इसलिए हमने एफ लगाया था। अब पांचवा नोट आपका जी आता है, तो दोस्तों इस पर भी आप पहले निकाल लीजिए कि जी में आपके कौन कौन से कॉर्ड लग सकते हैं। तो जी पर जाएंगे तो पहला देखिए बन रहा है जी बी डी, यानी ये कौन सा कॉर्ड हुआ जी मेजर। दूसरा कॉर्ड क्या बन रहा है ई जी बी, ये आपका ई माइनर हो गया। एंड तीसरा आपका बन रहा है सी ई जी, तीनों में ई नोट आ रहा है। तो अब जब हम पा बोलेंगे तो हम जी भी लगा सकते हैं, हम सी भी लगा सकते हैं, हम ई माइनर भी लगा सकते हैं। अब ये गाना कैसे चल रहा है, कोई भी कंपोजिशन कैसे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग सरगम बोलते हैं तो जी कॉर्ड में जी ही लगाएं तो अच्छा लगेगा। देखिए सा री गा मा पा, अब पा ये भी है, पा ये भी है, बट ये ज्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए हमने जी लगाया था। सिक्स्थ नोट आपका आता है ए, तो फिर आप ए से ए तक लिख लीजिए। पहला देखिए ए सी ई, तो ये रूल के अकॉर्डिंग टू ए माइनर बनेगा। दूसरा एफ ए सी, इसमें भी ए आ रहा है, ये एफ मेजर बनेगा। और तीसरा डी एफ ए, ये आपका डी माइनर बन जाएगा। लेकिन कौन सा कॉर्ड सुनने में अच्छा लगेगा, तीनों की अपनी अपनी खूबसूरती है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें इसका ये फ्लेवर ज्यादा अच्छा लग रहा था, लगाने को हम एफ भी लगाए तो गंदा नहीं लगेगा। देखिए सा री गा मा पा, तो हमें ए माइनर अच्छा लगा इसलिए हमने यहाँ पे ए माइनर रखा। एंड लास्ट नोट आपका आता है बी। अब बी की स्केल में आप जाएंगे तो पहला ट्रायड्स देखिए जो बन रहा है वो बन रहा है बी डी एफ, यानी वही बी डी मिनिस्ट, सुनने में कम अच्छा लगता है, जहां पर उसका फ्लेवर लगे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो जी बी डी, यानी जी मेजर, और उसके बाद एक ट्रैक्स और बनेगा ई जी बी, यानी बी नोट पर यानी नी नोट पर हम लोग या तो जी या तो ई माइनर या तो आपका वही बी डिमिनिस्ट। तो सुनने में कम अच्छा लगता है फिर हम कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इसका यूज होता है, वो आपका कंपोजिशन कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग बी डिमिनिस्ट लगा सकते हैं। अब देखिए और एक नी, ये भी है लेकिन हमें ज्यादा अच्छा लग रहा था जी, इसलिए हमने जी लगाया। एंड तो ये कुछ रीजन थे दोस्तों कॉर्ड्स लगाने के, कॉर्ड प्रोग्रेशन में। और लगने को तो जो भी हमने तीन आपको बताए हैं कि एक नोट पर ये तीन कॉर्ड्स लग सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप देखिए लग रहा है तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप वही चार सीक्वेंस रखिए, ये अच्छा लगेगा। जहां तक हमने फील किया है स्वरों को, ये चार कॉर्ड्स अच्छे लगेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कॉर्ड्स क्यों लगाते हैं। किसी भी कॉर्ड प्रोग्रेशन में ये चार कॉर्ड से यानी 1 4 5 6 का प्रोग्रेशन क्यों लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरा नाम है चित्रांशी, अगर ये लेसन पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।